ये सिर्फ सोनिक का इन्वर्टर है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। इसमें एक स्विच रहता है यूपीएस मोड का, जो कि उसको ऑफ़ रखना है, उसको ऑन नहीं रखना है। जब आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो ही उसको ऑन रखना है। ये वारंटी में है, इसका कंप्लेन किए थे जो कि एक बंदा आया था, जो कि आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे सारी बातें। ऑन पे मतलब यूपीएस मोड मतलब होता है कंप्यूटर मोड के लिए, और ऑफ पर रहेगा तो नॉर्मल मोड रहेगा आपका, वो बंद रहना चाहिए। हाँ, लाइट रहने पर भी आप देखे होंगे बैकअप पे आपका इन्वर्टर से ही चलता रहता होगा। हाँ हाँ, देखा है जैसे बिजली आ रही है फिर बीच बीच में होता है, जैसे लाइट तेज हो गया तो आपका इन्वर्टर चालू हो गया, लाइट नॉर्मल पाए तो फिर चार्जिंग होने लगा, ऐसा इसमें होता होगा कि नहीं होता? तो ये अभी बीच में हो रहा था कि लाइट है तो भी आवाज़ कर रहा था। हाँ, ये जबान रहेगा, लाइट ना रहने पर भी आवाज़ रहती होगी थोड़ी थोड़ी देर पे, मतलब आधे घंटे में। अच्छा, एक दिन क्या हो रहा था उसमें जो इंडिकेटर है ना, बैटरी एकदम डाउन दिखा रही थी, 10% दिखा रही थी। हाँ, और इसका क्या फंडा रहता है जो चार्जिंग चलते रहता है? ये जो दिखा रहा है ये बैटरी डिस्चार्जिंग दिखा रहा है, ये लोड परसेंट दिखा रहा है आपको, 19% लोड आपका चल रहा है। ये बैटरी की वोल्टेज है 12.1 वोल्ट। लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये चलते क्यों रहता है? लाइट रहेगा नहीं रहेगा तो भी? हाँ, वो चलता रहेगा, जब चार्जिंग होगी तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, और जब डिस्चार्जिंग होगी तो नीचे की तरफ भागेगा। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी तो अपने आप उसे डिस्चार्जिंग दिखाता जाएगा। अच्छा, अब पानी वानी का जैसे वो रेड लाइट रहता है उसके ऊपर अगर गया तो कुछ तकलीफ मतलब ज़्यादा हो जाता है ना पानी कभी भरने में? तो कोई दिक्कत नहीं, वो पानी जितना ज़्यादा होगा ओवर फ्लो होकर के बाहर गिर जाएगा। अच्छा, ये आप रहना चाहिए तभी बैटरी आपकी पूरा बैकअप सही हो जाएगा, बाकी लाइटें ऑन रहेगी। उसको मतलब वो बटन क्यों दिया है कभी ऑन कर? इसलिए दिया है जैसे आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो तो उस कंडीशन पर आप अगर इन्वर्टर से सप्लाई दे रहे हो तो आप इस पर जो अपना जो इसको ऑन कर लीजिए यूपीएस मोड, और आपका जो जैसे लाइट आएगी जाएगी तो उसमें आपका सिस्टम बंद नहीं होगा। अच्छा, लैपटॉप वाला जो डेस्कटॉप वाला होता है उसमें यूपीएस लगता है ना, यूपीएस आप इससे उसको ना लगा के आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसमें आपको बंद नहीं होगा। तो इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वही तकलीफ है वो जो ऑन रहता था इसके लिए? हाँ, वो होता है क्या है कि बैटरी जैसे लाइट आपका 180 से नीचे आ गया, लाइट है लेकिन फिर भी क्या होगा आपका बैकअप ही चलता रहेगा 180 से 260 के बीच में, 280 से 260। अच्छा, तो इसके लिए वो जो है डाउन हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी जल्दी, 260 के ऊपर जाएगा तब भी आपका बैटरी पे चल जाए, बैटरी पे चलता रहेगा, इन्वर्टर पे मेन नहीं लेगा, लाइट रहेगी मेन पे नहीं जाएगा। 180 से 260 के बीच में है उसमें आपका ये चार्जिंग दिखाता है। अच्छा, और अभी जैसा लाइट है तो ज़रूरी नहीं कि इसको मतलब बंद करके भी रख सकते हैं, फिर लाइट गया तो उसको चालू करें या फिर चालू ही रहने दें, उससे कोई तकलीफ नहीं है? ऑफ रहेगा। अच्छा, ये ऑन नहीं करना है, ऑन तब करना जब आप इससे इस्तेमाल कर रहे हो कंप्यूटर के लिए, जिससे आपका सिस्टम बंद ना करें। ठीक है ठीक है, बाकी आपका बैटरी तो इतना ऊपर ही क्यों पहुँच ही नहीं सकती, देख नहीं सकती कितना चार्ज है कितना है, मतलब उसमें कुछ देखना है? बैटरी का फोटो लेने की है और बैटरी ऊपर अभी जब ये हो रहा था ना तो देखा था मैं, तो जरा पानी ज़्यादा था, वो पानी निकाल लिया था इंजेक्शन से। हाँ, मतलब जितना रहना चाहिए वो रेट से नीचे ही कर दिया फिर। अच्छा, इसके पहले बैटरी हमारा एक साइड का ही था तो मैंने सोचा ये जबरदस्ती ले लिया था सिर्फ सोनी के से, अच्छा तो वही चल रहा था, लेकिन कंपनी है वही। हाँ,
एक्साइड का जो है तीन ब्रांड है, एक्साइड है, एसएफ है, डायनेक्स है। अच्छा एक्साइड तीन।